नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। हिस्ट्री शीट बलबीर यादव उर्फ बल्ला की सड़क किनारे खून में सनी मिली लाश। परिजनों ने गांव के ही चार लोगों पर लगाए हत्या करने के आरोप। खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी के खनिया धाना थाना क्षेत्र से है, जहां सिमलार गांव में निवास करने वाले बलबीर यादव की लाश गांव की सड़क किनारे मिली है। पुलिस का कहना है कि मृतक पर धारदार हथियार से हमला किया गया है, सिर में घाव है। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को पीएम के लिए भेज दिया है। धारा 302 व 34 के तहत अज्ञात हत्यारे पर मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है, जिसमें गांव के ही चार लोगों पर हत्या का संदेह जताया है। वहीं मृतक के भाई जगदीश का कहना कि फॉरेस्ट की जमीन के अतिक्रमण का विवाद भाई की हत्या का कारण बना है। जानकारी के अनुसार सिमलार गांव में निवास करने वाले बलवीर सिंह यादव की लाश आज गांव की सड़क किनारे मिली है। मृतक के छोटे भाई जगदीश यादव ने बताया कि हमने फॉरेस्ट की जमीन पर गेहूं की फसल की है और खेत में गेहूं कटे पड़े हैं। इस कारण में और मेरे बड़े भाई बलवीर यादव खेत पर ही फसल की रखवाली करने के लिए रात में रुकते थे। आज की रात 11 बजे में जब खेत पर पहुंचा तो बड़े भाई बलवीर ने मेरे से कहा कि तू मेरे लिए खाना नहीं लाया। मैंने कहा भाई तुमने शाम को ही खाना खाया है, इस कारण नहीं लाया। वह मेरे से खाना खाने की कहकर रात में ही खेत से घर के लिए निकल गया था। रात में खेत पर बलवीर नहीं लौटा तो मैं ये सोच कर सो गया था कि वह घर ही सो गया होगा। जब सुबह मुझे सूचना मिली कि बड़े भाई बलवीर की लाश सड़क किनारे पड़ी है, मौके पर जाकर देखा तो बलवीर के सिर पर धारदार हथियार से हमला करने के निशान व घाव और जमीन पर खून पड़ा हुआ था। ये भी बताया जा रहा है कि बलवीर रात में अपने घर नहीं पहुंचा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा बनाकर बलवीर की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर खनिया धाना अस्पताल में पीएम के लिए भिजवा दिया है और इस मामले की जांच शुरू कर दी। वही खनिया धाना पुलिस का कहना है कि मृतक बलवीर यादव खनिया धाना थाने का हिस्ट्री शीट बदमाश था, जिस पर हत्या, लूट, डकैती सहित कई संगीन अपराध पंजीबद्ध है। आइए जानते हैं मनोज सरयाम बीट प्रभारी ने क्या कहा। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। ये सिमलार में क्या पूरी घटना है? इसमें आज जगदीश सिंह यादव पिता स्वर्गीय भुजबल सिंह यादव ने रिपोर्ट किया कि उसका भाई बलवीर कल रात 11 बजे से खेत से घर जाने के लिए निकला था और वो घर तक नहीं पहुंचा। उसके बाद सुबह उनको सूचना मिली कि सिमलार के पास में उसकी बॉडी मृत अवस्था में रखी हुई और इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी और सबके आधार पर उन्होंने रूप सिंह यादव, राहुल यादव, मुन्ना यादव और ब्रजेंद्र यादव पर मृत्यु करने के लिए शंका जताई है और मृतक के सिर पर धारदार हथियार से चोटें आना पाई गई। तो इसमें मामला दर्ज हो गया है? मामला 302 का पंजीबद्ध हो गया है। संदिग्धों के नाम लिख दिए गए हैं और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो भी एविडेंस आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में इन लोगों बलवीर मृतक के ऊपर कई संगीन आरोप भी लगे हैं, आरोपी हैं कई मामलों में। हाँ, बलवीर अपने थाना क्षेत्र में हिस्ट्री सीटर भी रहा है।